आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। और मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आज हम जो है कि जाने वाले हैं रायपुर। देखिए, हमारे जो कि पैकिंग सेकिंग हो गई है एक दिन पहले से ही, और आज हम जाने वाले हैं। देखिए, उदास लग रहा है, मेरा फेस पूरा अच्छा नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैं जा रही हूँ। मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है, एकदम ठीक ही नहीं लग रहा है, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि बस अभी तो आए थे और अभी तुरंत जो है कि जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और दिखाते हैं क्या क्या तैयारी जो है कि हो रहा है सुबह से ही। सुबह से आप लोग अच्छे तरीके से, तो हमारी हैंडबैग की भी पैकिंग हो गई है, इधर ट्रॉली पैक हो गई है। और कपड़ा कुछ ना मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, हर बार आती हूँ तो कपड़ा यहीं छोड़ के जाती हूँ, ज़्यादातर कपड़ा। फिर भी ना कपड़ा वहीं जाती है, बच्चे हैं तीन तीन लोग तो कपड़ा तो होता ही है। और कंघी वगैरह नहीं की हूँ, सर धो के नहाई थी। और दिखाते हैं आप सभी को, लेकिन ना हमको कुछ अजीब तरीका का लग रहा है कि अभी तुरंत आए थे तुरंत जा रहे, मेरा मन नहीं भरा है। यहाँ मायके में भी अच्छे तरीके से नहीं रह पाए, वहाँ से भी आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मम्मी लोग मना कर रहे थे, लेकिन हम क्या करें, 10 दिन में क्या होने वाला है, कम से कम वहाँ वहाँ 10 दिन रहेंगे तभी सबका मन भरेगा और मेरा भी। लेकिन ससुराल में भी तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो घर ही है हमारा, बच्चे लोग तो यहीं ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ एक बैग है और ये रहा मेरा थैला, थाली वगैरह जो है। और मम्मी जी का तो जानते ही हैं कि मम्मी इतना सारा सामान देने लगती है ना। अभी अंकुश के पापा नहीं है, वो देखेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे देख करके, मेरे ऊपर बोलेंगे इतना सारा सामान जो है तुम ही लेके जाती है, मतलब इतना सामान ले लेती है। दो दो बोरा मम्मी पैक कर दी है। और इधर रहा ठेकुआ भी बना के दी है। और ये देखिए छठ पूजा वाला बद्दी है, इसी से मारा था। अच्छा ना, उसको मारेंगे, अंश को ना पत्थर से मार दिया था। और ना भी पूरा सामान जो कि फैला हुआ देख लीजिए। मैं दीदी आई है तो दीदी तो आज नहीं जा रही है, दीदी भी बोल रही थी कि आज जाएंगे। और देखिए लक्ष्मी और मुस्कान दोनों कितना हमको हेल्प कर रही है। इधर सब्जी काट के रखी है और इधर लक्ष्मी पूरी बेल रही है, नहा करके अभी नहा खाइए। और इधर हमारी मुस्कान रानी मेरी भगनी, देखिए यहाँ पे पूरी तल रही है। देख क्या बोली, क्या बोली, उसको रानी बिटिया बोली, नहीं बोली बस। देखिए कैसे रूठ गई, देखिए ये गुस्सा हो गई, हम इसको रानी बोल दिया। इसीलिए बताइए इतने दिन के बाद हमारी मुस्कान मिली है हमसे, तो तुम भी तो रानी बिटिया है। बर्तन धोएंगे, दिन में जो हम लोग चूल्हे पे खाना बनाए थे आज ना मुस्कान, आज चूल्हे पे खाना बनाए और अभी जो है कि गैस पे बना रहे हैं। बलग में चावल और इधर पूरी और फिर सब्जी बनेगी। और अभी एक सब्जी दीदी बनाई है आलू और गोभी की, ना दो सब्जी बनी है, सुबह करेले की सब्जी बनी थी, दोपहर में आलू बैंगन की सब्जी। और आंश देखिए दे रहा जाके गाय को खाना, आंस जो है गाय को मेरा जो दे रहा है चारा। देखिए चारा देने का भी टाइम हो गया है, आंस को ना ज़्यादा खेत ध्यान रहता है ये सब का। और पापा अभी नहीं है, खेत गए हैं। और अंकुश के पापा भी कुछ काम से गए हैं मार्केट, वो भी आएंगे। और इधर चारा जो है कि है गाय के लिए। और मेरा घर तो आप लोग देखते ही हैं वीडियो में। और इधर देखिए नींबू है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन कितना बड़ा घर है। और इतना बड़ा घर छोड़ के जाते हैं, वहाँ दो रूम में कैद रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है एकदम ना अंकुश, बंद बंद सा वहाँ पे रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे ना एकदम खुला खुला सा है। धरान देखिए गाय को चारा देने के लिए फिर से दोबारा से जा रहा है। और ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये है इसका मालिक का अंकुश का है ये वाला फोटो, बचपन का ही है। और देखिए इतना बड़ा घर जो है मेरा सोना हो जाएगा, फिर बस मम्मी और पापा रहेंगे और दीदी लोग तो सब चली जाएगी। देखिए यहाँ से दिख रहा है मेरा पूरा घर, अंदर में जो है चार रूम है, किचन है, चापाकल है,
और दीदी भी पीछे देखिए टहल रही है, बाड़ी है यहाँ पे, आगे में इधर साइड भी बाड़ी है, यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। सोचे बता देते हैं आप सभी को, क्योंकि अब 5-6 महीने बाद ही हम यहाँ पे आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा घर है और उसकी इकलौती बहू मैं हूँ। चलिए छत अभी दिखाते हैं, छत ना पूरा मेरा भरा हुआ है धान से, देख लीजिए पूरा धान फैला हुआ है। और उधर मेरा भैगना बैठा हुआ है अमित, अमित भी मेरा वीडियो देखता है ना, अमित वीडियो देखते हैं ना, तो अमित भी वीडियो देखता है। पूरा छत में जो है धान धान जो है अभी है, तो ये पर्दा वगैरह लगाए थे लेकिन सब दीदी अब साफ करके जाएगी, दीदी ही जो है कि खोलेगी पर्दा, क्योंकि हम तो खोल नहीं पाएंगे, धो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आए थे इधर उधर करने में ही टाइम चला गया 10 दिन, तो अच्छे से रह भी नहीं पाए घर में। तो चलिए आप लोग बने रहिए, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं निकलने का, शाम के टाइम निकलेंगे और करीबन अभी ना 3 बज रहे हैं। अभी शाम के टाइम है और हम दीदी आंत छत पे बैठे हुए हैं और बाल जो है कि अपना सुधार रहे हैं, क्योंकि सुबह ही सर धो के नहाए थे, कंघी नहीं किए थे। सवतार के जी चलो और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है 27 तारीख की। 26 तारीख को हम घर से निकले थे शाम 6:30 बजे और 26 तारीख को ही हमारी टिकट थी, लेकिन हम वीडियो कहीं भी नहीं बनाए थे, यहाँ तक कि मैं मोबाइल उठाई ही नहीं हाथ में। मोबाइल ली थी लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं लोकल में हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, और काफ़ी लेट हो गया था हमें अपने रूम पे पहुँचने में। 26 तारीख को 12 बजे रात में हम ट्रेन बैठे थे और 27 तारीख को 12 बजे रात में हम जो है कि अपना रूम पे पहुँचे हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और देखिए घर पहुँच गई हूँ मैं, और अभी ना 12 बज चुके हैं, इसीलिए मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं 12 बजे राइट पक्का 12 बजे पहुंची हूं अपने रूम पे। और हम लोग का ना आज इस बार हालत ख़राब हो गया, बहुत परेशानी से हम लोग जो है कि पहुंचे, इसीलिए ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया ट्रेन पे। ट्रेन पे तो रायपुर तो हम लोग अच्छे से पहुंचे हैं, ट्रेन में तो भीड़ बहुत तेज़ भीड़ थी, वो तो था ही, इसीलिए वीडियो नहीं बनाए। फिर जब हम स्टेशन उतर गए, जहाँ हम लोग पहले उतर जाते थे वहाँ जो गाड़ी नहीं रुकी, उसके पहले ही गाड़ी रुक गई थी, तो फिर हम लोग को आगे जाना पड़ा, वहाँ पे एक भी ऑटो नहीं मिला, फिर लोकल पकड़ के आए यहाँ रूम पे। 12 बज गया, दिखा से देखते हैं अभी सबको घड़ी, अब 12 बजे हम आए हैं, 5 मिनट हुआ है अभी, तो 12:05 जो है कि हो गया है। और घर बच्चे लोग का भी जो है ना हालत खराब है, उसके सर में दर्द होने लगा, और लक्ष्मी आते के साथ बिस्किट खा रही है। भूख लग गई है बच्चे लोग को, लक्ष्मी तो सो गई थी, और अंकु से पापा गए अभी सामान लाने के लिए, और देखते हैं। खाना बनाने का तो मन नहीं हो रहा है, क्योंकि किचन तो पूरा जो है एकदम गंदा है। घर का जो है कि हालत खराब है, 10 दिन में पूरा घर का जो है देख सकते हैं आप सब, हम लोग ऐसे छोड़ के जैसे गए थे वैसे सारा चीज़ जो है बिखरा पड़ा है। अभी बाहर का लाइट है मैं जलाई हूँ, पूरा अंधेरा है, सोचिए थोड़ा यहाँ आने के बाद वीडियो बना लें। वीडियो तो हम नहीं बना पाए हैं, आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को, आप सभी ज़रूर बताइएगा। हम लोग का तो हालत जो है ना ख़राब है बिहार से, इतना तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, गांव तो नहीं थकते, लेकिन इस बार गांव से आने में यहाँ जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए।
और इस तरीके से ना हमारे साथ पहली बार हुआ है, नहीं तो कभी नहीं हुआ था। आराम से जाते थे और आराम से आते थे, दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ना इस बार ना हमारी जो ट्रेन है ना यहाँ पे नहीं रुका, हमारे पास जो स्टेशन है उसके पहले रुके आ गए हैं। कुछ के पता चले यही करते हैं। बाय बाय।